देश को सिर्फ तोड़ने के लिए ये जाति का नाम ले रहे हैं। हम देश को तोड़ने नहीं देंगे और देश को मजबूत से एकजुट में रखने के लिए हम काम करेंगे। कमजोर वर्गों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए मोदी जी ने जो काम किया है किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया आज तक। और नेहरू जी, राजीव गांधी जी, सब लोग ने रिजर्वेशन का विरोध किया, सब मालूम है, और आज जाति जाति कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जातिवाद का राजनीति सुबह शाम जाति जाति करते रहते हैं। हर भारतीय का जाति पूछता है ये लोग, और फिर इनका नेता को जाति नहीं पूछ सकते हैं। आप लोग सवाल कीजिए राहुल गांधी को कि आप देश के लोगों का जाति पूछते रहते हैं, आपका जाति को क्यों नहीं पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं जातीय जनगणना को लेकर। जिस तरीके से ये मुद्दा फिर से उछलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें किसकी जीत होगी? राहुल गांधी जिस तरीके से पीएम मोदी को इससे पहले घेरते हुए नजर आए, लगातार बिहार में भी ये मुद्दा उठता हुआ नजर आए और तमाम तरीके की बातें इस पर निकलते हुए नजर आई। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो संसद में इसको लेकर जिस तरीके से छिड़ी हुई है, आखिरकार जातीय जनगणना को लेकर इतना बवाल क्यों मच रहा है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और अपने न्यूज रूम में मौजूद हमारे कुछ सहयोगी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार जातीय जनगणना का मुद्दा इतना उछलता हुआ क्यों नजर आ रहा है। हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी जाति क्यों नहीं बताते हैं, तो ये जातीय जनगणना का मुद्दा आखिरकार फिर से एक बार क्यों निकलता हुआ नजर आ रहा है? चुनाव है इसलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात और अहम बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी आदत रही है, इनके पास मुद्दा कोई रहता नहीं है कि ये केवल हिंदू और मुसलमान करना जानते हैं। इनसे जब सवाल पूछा जाता है तो ये जाति को लेकर सवाल कर देते हैं। और सबसे अहम बात क्या है कि सदन में जब राहुल गांधी ने बजट को लेकर अपनी बात रखी, बजट को लेकर जो सवाल पूछे गए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि निर्मला सीतारमण सर पर हाथ धर लेती हैं, राहुल गांधी पूछते भी हैं कि ये हंसने का मुद्दा नहीं है भाई, आपने केवल दो राज्यों को पैकेज दिया, क्या देश में दो राज्य हैं क्या? बाकी और राज्य का क्या होगा? आप चुनाव हार गए तो आप बजट नहीं देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं जाति जनगणना को लेकर कि राहुल गांधी पहले अपनी जात बताएं। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि जिस पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जाति बताने का जो मुद्दा है, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बात कही गई अनुराग ठाकुर की तरफ से, तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी जो पैकेज लाती है या जो योजना लाती है वो जाति के आधार पर लेकर आती है। और यहाँ पर अगर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करें, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला बोल देते हैं, वो बोल देते हैं कि पीएम मोदी किस जात से आते हैं, तो उस पर आप सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जात को लेकर सवाल पूछा कि पहले आप अपनी जात बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। इसको जिस तरीके से हम देखा जा रहा है कि ये पूरे देश का अपमान अनुराग ठाकुर ने किया है। यही दिल्ली में जंतर मंतर पर महिलाओं का प्रोटेस्ट हुआ, तब तो आपने महिलाओं की आवाज नहीं उठाई। देश में हम देख रहे हैं कि गरीब नीट का एग्जाम होता है, आप उस मुद्दे को नहीं उठाते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा होती है, उसमें इतनी बड़ी धांधली होती है, उस पर बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है। जो स्मृति ईरानी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि आओ मुझे हराओ, आओ मुझे हराओ, अमेठी से हार जाती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जरूरत से ज्यादा इतना गुमान कर रही है जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बताया। तो राहुल जी, आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दबाने के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है क्योंकि वो गुमान में है इसकी वजह से, क्योंकि आप देखिए कि जातीय जनगणना जब 1951 में पहली बार आया था तब भी कहीं ना कहीं इस बात का मुद्दा उठा था कि अगर जाति के नाम पर भेदभाव होगा तो कहीं ना कहीं देश का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो क्या वही मुद्दा एक बार फिर से उठाकर कहीं ना कहीं राजनीति को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा और बकायदा संविधान में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको खास तौर पर इस बात का ख्याल रखा गया कि इनको योजनाओं से जोड़ा जाए, इनको आरक्षण दिया जाए, ताकि ये महसूस ना करें कि ये दलित तबके से आते हैं या पिछड़े तबके से आते हैं। जो संविधान लिखा गया है या जाति के आधार पर जिस तरीके से एक स्पेशल पैकेज तक दिए गए हैं, उस पर कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, बीजेपी करे तो ठीक है, विपक्ष करे तो आपने गलती कर दी, ये वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आज भारतीय जनता
जनता पार्टी के जितने भी सांसद आज सदन में ये मौजूद हैं, इनसे आप रोजगार पर बुलवा लीजिए, उनसे आप परीक्षा में धांधली पर बात करवा लीजिए, इनसे ये बात करवा लीजिए ना कि आपने ये जो नेम प्लेट वाला जो सिस्टम शुरू किया उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या अगर हम देखें तो अनुराग ठाकुर जिस गाड़ी में आते हैं उस गाड़ी को किसने बनाया? हिंदू ने बनाया, मुसलमान ने बनाया, कौन जानता है? उस गाड़ी में जो पेट्रोल भर रहा है वो हिंदू है या मुसलमान है, कौन जानता है? तो आज भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल यहां पर हम ये देख रहे हैं कि एक तो जिस तरीके से चुनाव में इनकी स्थिति हुई है वो कहीं ना कहीं खिजियाए हुए लग रहे हैं, और देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली आज हालत भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सदन से हम देख ही रहे हैं कि है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी अगर मैं बोलूंगा तो वो भाग जाएंगे, और यहाँ पर तो राहुल गांधी कह रहे अब तो मुझे डर लगता है कि भैया अगर अडानी अंबानी का नाम ले लिया तो फिर से चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर हो जाएंगे। तो बीजेपी का जो मेन एजेंडा रहा है ये केवल ईडी सीबीआई इन्हीं के जरिए विपक्ष को घेरने की कोशिश करते, लेकिन आज कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि सदन में बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। केवल और केवल आज भारतीय जनता पार्टी की जितनी टीम है, बीजेपी की आईटी सील है, आईटी सेल है, ये लोग केवल एक ही बात करते हैं, गांधी परिवार की। जी, अब ऐसे में राहुल जी का कहना है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के पास राहुल गांधी के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, ना वो शिक्षा पर बात करते हैं, ना रोजगार पर बात करते हैं, ना महंगाई पर बात करते हैं, बस तमाम तरीके के मुद्दों पर फंसाने की कोशिश करते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यूपी की सियासत में तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद हो, अखिलेश यादव हो, या राहुल गांधी हो, या मायावती हो, कहीं ना कहीं इसमें वो भी पीछे नजर नहीं आती है। अब ये तमाम मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए ये मुद्दे किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में कारगर होंगे, अखिलेश यादव भी ओबीसी कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं, इस बार जो माता प्रसाद पांडे को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया है, कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं उन्हीं वर्गों को साधने की कोशिश की है जिससे उनको चुनावी रण में थोड़ा लाभ मिल सके। हमारे साथ नाजमीन मौजूद है, नाजमीन से जानने की कोशिश करेंगे कि नाजमीन जिस तरीके से ये पूरा जातीय जनगणना का मुद्दा उठा, बिहार से ये कवायद शुरू होती है और फिर कहीं ना कहीं अब पूरे देश में इसकी कवायद फैलती हुई नजर आती है। किरण रिजिजू हैं, वो भी राहुल गांधी पर भड़काऊ बयान देते हैं, वही राहुल गांधी अनुराग ठाकुर को घेरते हुए नजर आते हैं। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके की सियासत जो है वो होती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये पूरी राजनीति रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है, आम जनता को वाकई में उनके बारे में सोचा जा रहा है इसलिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की जाति को लेकर हमला करते हैं, उस दौरान राहुल गांधी एक बड़ी बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो भी पिछड़े वर्ग के बारे में बात करता है, उनके बारे में चिंतित होता है या उनके विकास को लेकर काम करता है, हमेशा से उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और अनुराग ठाकुर उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से धर्म की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से उन मुद्दों को उठाया है जिसके तहत या तो हिंसा भड़काई जा सके या फिर सांप्रदायिक माहौल को यहां पर पैदा किया जा सके। जैसा कि अब तक हमारे सहयोगी ने बताया कि कावड़ का मुद्दा उत्तर प्रदेश में हो या मुद्दा कोई और हो, भारतीय जनता पार्टी उसे हमेशा से धार्मिक रंग देने की कोशिश करती हुई नजर आती है। यहां पर राहुल गांधी ने जो बात कही, इस बात पर एक और बात निकलकर सामने आती है कि आखिरकार देश भर में भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र में जो सत्ता में बैठी हुई है वो जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती है। आखिरकार जब बिहार में जातीय जनगणना होती है, जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधते हैं, जब अखिलेश यादव हमला साधते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से पीछे कदम क्यों खींच रही है, इसके कई बड़े कारण सामने आ जाते हैं कि जो नाजमीन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जातीय जनगणना से ज्यादा जरूरी विकास का मुद्दा है, उस पर कोई क्यों नहीं बात करता? वहीं बिहार में भले ही जातीय जनगणना हो गई, उसका क्या लाभ देखने को मिला? देखिए, लाभ क्यों नहीं है, आप विकास के आधार पर देखेंगे, जो पिछड़े वर्ग हैं वो आगे कैसे आएंगे, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो अपनी इच्छाओं का दमन कर देते हैं, कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां आज भी जाति के नाम पर छुआछूत होता है, जहां पर भेदभाव किया जाता है, जहां पर ये देखा जाता है कि अगर आप नीची जाति से आते हैं तो आप ऊंची जाति के लोगों के
साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, उनके साथ पानी नहीं पी सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक कांड सामने आता है जहां पर किस तरीके से दलित के चेहरे पर पेशाब कर दिया जाता है। उस मुद्दे को भुनाते हुए शिवराज सिंह चौहान यहां पर उनको एक तरीके से शॉल उड़ाते हुए नजर आते हैं, उनके पैर धोते होते हुए नजर आते हैं। उसके बाद वो कहां गायब है कुछ शिवराज सिंह चौहान को नहीं मालूम होगा। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, दलितों के साथ बैठकर नीचे खाना खाते हैं। आज की डेट में अमित शाह उन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। तो आप अगर देश को विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे या वाकई विकास करेंगे तो रोजगार, शिक्षा का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे तो हैं, लेकिन उन तक इन वर्ग को कैसे पहुंचाएंगे? आपको कैसे मालूम होगा कि आपके राज्य में कौन सा वर्ग कितनी आबादी में मौजूद है? आज पासवान समाज बिहार में विरोध प्रदर्शन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी पुश्तैनीय नौकरियों में हक पाने को लेकर। किस आधार पर? ये सिर्फ यहाँ पर जब तक आप जातीय सर्वेक्षण नहीं करेंगे, यहाँ पर जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, इस आधार पर तय नहीं कर पाएंगे कि आपने जो योजनाएं लेकर आए हैं उनका फायदा हर वर्ग उठा भी रहा है या नहीं, या फिर यही मजबूर होकर बैठ जाता है। कई ऐसे वर्ग भी नजर आते हैं और वर्गों के साथ देखा जाए तो अमीर गरीब का भेदभाव भी देखा जाता है। कई ऐसे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत आप अपने बच्चों को शिक्षा के लेवल में आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है, वो ऐसे ही रह जाते हैं, बिना पढ़े रह जाते हैं। तमाम मुद्दे हैं माही यहाँ पर उठाकर देखेंगे तो विकास के रास्ते पर जातीय सर्वेक्षण की भी बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, ऐसे में विकास के रास्ते पर जातीय सर्वेक्षण की जरूरत तो है। अखिलेश यादव भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि ओबीसी अगर केंद्र में देखा जाए तो जितने भी ओबीसी अधिकारी हैं उसमें से 90 में से केवल 3 अधिकारी हैं जो ओबीसी जाति से आते हैं। ऐसे में तमाम मुद्दे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण भी ये मुद्दा कहीं ना कहीं संसद में उठाते हुए नजर आते हैं। अगला सवाल मेरा अमन जी से रहेगा। अमन जी, जिस तरीके से मायावती ने भी अब कांग्रेस हो बीजेपी हो दोनों को फटकार लगाई है कि ये लोग धोखेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का विकास कार्य नहीं करते हैं और किसी भी तरीके का उनके लिए कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते हैं, तो ऐसे में ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो, ये क्या केवल उन्हीं वर्गों को साधने के लिए प्रयास कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव या उस उपचुनाव में जीत हासिल हो सके, या वाकई में जनता की चिंता में इतने बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए माही, बिल्कुल आप एक बात समझिए कि जिस तरह संसद में इस बात को लेकर बहस हो रही है तो उससे ये समझ में आता है कि मुद्दा सुलझता नहीं बल्कि उछलता है। और देखिए संसद में ही नहीं, अगर बाहर भी आप देखेंगे तो जाति जनगणना की बात आप करें, चाहे धार्मिक आधारित राजनीति की बात आप करें, बात तो सब करते हैं लेकिन वही राजनीति सब करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तमाम पार्टियों की बात करें। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब विषयों से क्या देश का विकास वाकई में होने वाला है? अगर नहीं होने वाला है तो इस बिला वजह की बयानबाजी से कोई फायदा होने वाला नहीं। आप देखें दिन-दिन भर एक मुद्दे के ऊपर यानी कि जाति शब्द के ऊपर पूरी संसद खत्म हो जाती है। जनता जो बड़ी उम्मीद के साथ में आपको संसद में भेजती है कि आप कुछ देश के लिए बेहतर पॉलिसी बनाइए, नीट का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। दिल्ली में आपने देखा कि बेसमेंट में नीचे पढ़ाई हो रही है, 3-4 बच्चे वहां पर मौत, उनकी डेथ हो जाती है, उसको लेकर कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर बात होनी चाहिए, वो बात होती नजर नहीं आती। बात होती है जात धर्म को लेकर, तो देखिए लगभग 70-75 साल हमें आजाद हुए हो गए लेकिन अभी तक भी हम उसी कह सकते हैं कि एक बिंदु पर आकर रुके हुए, जहां से देश को जो विकास की गति मिलनी चाहिए थी वो अभी भी उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी जो राजनीति, हमारे जो राजनेता हैं वो सिर्फ धर्म आधारित राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। और देखिए इससे ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि अगर इससे ऊपर नहीं उठेंगे तो वही बात जो पीछे बीते 70-80 साल से सुनने को मिल रही है, आने वाले दिनों में ही वही सुनने को मिलती रही, क्योंकि जातिगत जनगणना से अगर इतना लाभ था तो कांग्रेस पार्टी इतने समय तक सत्ता में रही, उसने फिर ये क्यों नहीं कराया? और अगर बीजेपी को लगता है कि इससे कुछ लाभ अगर मिल सकता है तो उसको भी कराने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही? तो देखिए एक दूसरे के ऊपर सवाल टालने से मुद्दे हल नहीं होते। आपको लगता है कि अगर ये जरूरी मुद्दा है संसद में, इसीलिए कह सकते हैं कि जो बातचीत है वो होती है, संवाद होता है और उसके बाद कोई मसला जो है वो हल होता है, लेकिन यहाँ पर मसला हल होने के बजाय मसले पे सिर्फ बहस होती है, बात विवाद होता है, उसके बाद संसद ठप हो जाती है। आप देखिए रोज़ाना का लाखों रुपया खर्च यूँ ही होता है, देश का टैक्स का जो पैसा जाता है वो यूँ ही बर्बाद हो जाता है। बेहतर ये होगा कि तमाम लोगों को बैठ कर जो संसद के कह सकते हैं प्रतिनिधि करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, जनता उनको चुनकर भेजती है, उनको एक बेहतर माहौल में बेहतर राजनीति करनी चाहिए ताकि जिससे देश का भला होता है वो दिखाई पड़े। जी बिल्कुल,
देश का भला होता हुआ दिखाई पड़े। ऐसे में चाहे आजाद हो मायावती हो, लगातार यही मुद्दे उठाते हुए नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा उठ रहा है, ये बिहार की तरह ही जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना होगी या पूरे देश में जातीय जनगणना होती हुई नजर आएगी। ये मुद्दा आखिरकार अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए कितना फायदेमंद होगा या मायावती जिस तरीके से आरोप लगा रही है उनके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।